जलंधर से एनकाउंटर संवाददाता अमन गुप्ता की रिपोर्ट। आज वार्ड नंबर 3 के संजय गांधी नगर में पोलियो कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर तिवारी ने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक व सजग रहना होगा। इससे बच्चे गंभीर रोगों से बचेंगे और स्वस्थ रहेंगे और इससे ही समाज विकसित होगा। सारे पंजाब निवासियों को ये बेनती करता हूँ कि जिहड़े भी 5 साल के छोटे बच्चे उन्होंने पोलियो की दवाई पिलाई जाए। आपां इत्थे लगभग 1996 से लैके लगातार कैंप लगा रहे हैं और स्लम एरिया है इत्थे बड़े लोग जिन्हां विच गलत भावना होंदी सी कि असी बच्चों को दवाई नहीं पिलानी, ये दवाई अच्छी नहीं होंदी। तो जदों हुण लोगों आस्ते आस्ते पता लग रहा कि ये बारे कोई भी इदा का पोलियो ग्रस्त बच्चा नहीं रह रहा, तो लोग बड़े दिलचस्पी नाल दवाई पिलाते। तो असी लगातार जो भी कैंप लगता घर जाके भी बच्चों को दवाई पिलाने, तो इतने भी जगह जगह आप घर घर जाके कहने कि बच्चे दवाई पिलाओ। 0 से लैके 5 साल तक के बच्चे दवाई पिला के ताकि सारा देश पोलियो मुक्त हो जाए, ये साड़ी खुशी है। मैं डॉक्टर गौतम इत्थे हमेशा अज तक 1996 तो लैके जो तो पोलियो स्टार्ट कैंप हुए हैं उदों तो लगातार ला रहे हैं महला संजय गांधी नगर अपनी दुकान के बाहर। तो इत्थे आपां हर पेशेंट नूं हर घर घर जाके गरीब आबादी है स्लम एरिया है तो छोटे छोटे बच्चों हमेशा जो भी कैंप लगता हमेशा असीं कैंप लगा।